अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी अपनी WhatsApp को अपडेट करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि मोबाइल के अंदर WhatsApp किस तरह से अपडेट करते हैं? तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने मोबाइल के अंदर अपनी WhatsApp को अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो WhatsApp को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक सर्च बार है, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे टाइप करें, यहाँ पर राइट कॉर्नर पे आपकी प्रोफाइल की एक लोगो आपको शो हो जाएगी। तो इस लोगो पे सिंपल सा टाइप करें और इस पे टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज एप्स एंड डिवाइस, तो इस पर टाइप कर लीजिए। इस पर टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट अवेलेबल, तो इस अपडेट अवेलेबल पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ढूंढना है WhatsApp, ठीक है दोस्तों। अगर आपके WhatsApp के अंदर अपडेट आया होगा तो यहाँ पर आपको इस अपडेट के सेक्शन में आपका WhatsApp शो हो जाएगा। अगर आपके WhatsApp के अंदर अपडेट नहीं आया होगा तो यहाँ पर आपको आपका WhatsApp शो नहीं होगा। तो मेरे WhatsApp के अंदर अपडेट आया है तो मैं यहाँ पर इस पे टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा अपडेट, तो इस अपडेट पे टाइप कर लीजिए यहाँ पर। और इस पे टाइप करने के बाद कुछ ही टाइम में ये WhatsApp आपका अपडेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों हमारा जो WhatsApp है वो अपडेट हो चुका है और फाइनली यहाँ पर वो इंस्टॉल हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों हमारा WhatsApp जो है वो अपडेट हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है, तो यहाँ पर ओपन के बटन पे टाइप करें और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो WhatsApp है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो गाइस इसी तरह से आप लोग अपने मोबाइल के अंदर अपने WhatsApp को अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, खुदा हाफिज़।